गुड मॉर्निंग। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें ईंधन के रूप में न्यूक्लियर भारी तत्वों को काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुख्य अवयव हैं रिएक्टर। रिएक्टर को नाभिकीय रिएक्टर भी कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिशन पर आधारित होते हैं। इसमें यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर की कार्य प्रणाली। इसे थर्मल रिएक्टर भी कहा जाता है। थर्मल रिएक्टर में चेन रिएक्शन निरंतर रूप से होती रहती है, जिसमें धीमे न्यूट्रॉनों की बौछार यूरेनियम पर की जाती है। इससे यूरेनियम का विखंडन होता है और प्रत्येक विखंडन के फलस्वरूप 2.2 नए न्यूट्रॉन, जो कि तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं, एवं 2.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पैदा होती है। इन तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदक, जो कि ग्रेफाइट या हैवी वाटर, भारी जल से बनते हैं। मंदक का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने में किया जाता है। इन धीमे न्यूट्रॉनों का पुनः परमाणु विखंडन में उपयोग किया जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी से इसका नाम चेन रिएक्शन रखा जाता है। चेन रिएक्शन जैसा कि चित्र में क्लियर है कि U-235 पर धीमे न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जिससे यूरेनियम दो खंडों में विभक्त हो जाता है और 2.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दो नए न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। रिएक्टर में कंट्रोल रॉड नाभिकीय रिएक्शन को कंट्रोल करने में काम आती है। इसके लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है कैडमियम या बोरोन। ये दोनों ही पदार्थ न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक हैं। उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊर्जा को कूलेंट के माध्यम से रिएक्टर में से निरंतर अवशोषित कर किया जाता है और अवशोषित हुई इस ऊर्जा को स्टीम जनरेटर में, जो कि एक हीट एक्सचेंजर ही होता है, में भेजा जाता है। वहाँ रिएक्टर से आने वाला कूलेंट पानी के अपनी ऊर्जा
स्थानांतरित कर देता है और भाप का निर्माण होता है। उस भाप को स्टीम टरबाइन में भेजकर टरबाइन की शाफ्ट को घुमाया जाता है, अर्थात नाभिकीय ऊर्जा को भाप के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया गया। स्टीम टरबाइन के शाफ्ट पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर और अल्टरनेटर जुड़े हुए होते हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं और तारों के माध्यम से वांछित स्थानों पर उस विद्युत ऊर्जा को पहुंचा दिया जाता है। स्टीम टरबाइन से निकलने वाली भाप को, जो कि कम ताप और दाब की होती है, कंडेंसर में ठंडा किया जाता है। कंडेंसर में निरंतर कूलिंग टावर से ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है और टरबाइन से निकलने वाली भाप को पुनः पानी में बदल देता है। इस कंडेंसेट या पानी को पंप के माध्यम से स्टीम जनरेटर में भेजा जाता है, वहाँ पुनः उसका उपयोग भाप बनाने में हो रहा है। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार एक यूरेनियम 235 का उपयोग करके हम सतत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर में जो क्रिया होती है वो कंट्रोल रिएक्शन होती है, जिसको हम निरंतर कंट्रोल करते रहते हैं। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करें या अनकंट्रोल हो जाए तो यही क्रिया परमाणु बम का रूप धारण कर लेगी, जो कि सृष्टि के लिए अत्यंत विनाशकारी है। साथ ही यूरेनियम या नाभिकीय ईंधन अत्यधिक विकिरण पैदा करते हैं, जिनसे पृथ्वी की या पर्यावरण की सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए रिएक्टर के चारों तरफ शील्ड का निर्माण किया जाता है, जो कि कंक्रीट सीमेंट की लगभग 4 से 8 मीटर मोटी दीवारों से निर्मित संरचना है और उन्हें इस विकिरण को अवशोषित कर लेती है और वातावरण को होने वाले नुकसान से सुरक्षित करती रहती है। थैंक यू वेरी मच।